Come, 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 come. You're lucky. तुम लोग खुश नसीब हो कि तुम्हें मम्मी देखने का मौका मिल रहा है। अरे 40 साल हो गए मुझे इस प्रोफेशन में, लेकिन लेकिन मैंने कभी नहीं ये देखा। अरे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने ही देश में मुझे असली मम्मी देखने का मौका मिलेगा। वाकई वाकई सर, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हम मम्मी देखने वाले हैं, और वो भी इतने करीब से। तुम्हें देर क्या? Come on, let's get ready. खोलो इसे। 100 साल पुराने जेल में थी ये मम्मी, पर इतने सालों तक ये मम्मी वहाँ पे कर क्या रही थी? मुझे लगता है अंग्रेजों के टाइम में ना कैदियों को मार के उनकी मम्मी बना देते होंगे। Very funny. ये मम्मी कितनी लंबी है। हाँ सर, ये मम्मी का चेहरा बहुत बड़ा है, जैसे जैसे सूजा हुआ हो। और इसके हाथ कितने बड़े हैं सर? ये मम्मी किसी आदमी की है कि औरत की? अभी पता चल जाएगा। चलो हाथ लगाओ, बाहर निकालते हैं। कब कब कब? चलो बहन, आराम से बेटा, आराम से। बी केयरफुल। Okay. What are you waiting for? Mayank? Yes, sir. Abhimanyu. Chalo kholo. क्या है भेड़िया? प्लीज प्लीज इसे अंदर रख दो, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा, कितना भयानक है ये। प्लीज सर, ये कोई आम भेड़िया नहीं है, ये आधा भेड़िया और आधा इंसान है। मतलब वेयरवुल्फ? हाँ, मैंने सुना था कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो भेड़िया की तरह दिखते हैं, शायद ऐसे इंसान की ये मम्मी है। मैग्नीफाइंग ग्लास, मैं अपना ग्लास लेके आता हूं। क्या मम्मी के साथ किताब भी?
बड़ी अजीब किताब है, शायद इसमें इस इंसानी भेड़िए के बारे में लिखा होगा। मैं देखता हूं। कैसे पहुंची? मैं तो लैब में थी ना। सोनिया, सोनिया, सोनिया उठो, सोनिया! अभिमन्यु, अभिमन्यु उठो, उठो अभिमन्यु, उठो! विश्वजीत सर, विश्वजीत सर कहाँ हैं? विश्वजीत सर, मुझे तो लगता है शायद उसी आत्मा ने उन्हें मार डाला। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। ये टीवी अपने आप कैसे शुरू हो गया? ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज दोपहर 3 बजे शहर के आर्कियोलॉजी सेंटर में एक बहुत ही अविश्वसनीय घटना घटी। किसी ने डॉक्टर विश्वजीत की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि उनकी लाश के पास एक भेड़िए की मम्मी पाई गई है। जानकारों का मानना है कि भेड़िए की ये मम्मी कम से कम 2000 साल पुरानी है। हमारे देश में ना तो मम्मी बनाने की रीति है और ना ही रिवाज। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये मम्मी आई तो आई कहाँ से, और वो भी एक आदम भेड़िए की मम्मी। कई लोग तो इस मम्मी को ही डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार मान रहे हैं। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये जरूर उस मम्मी की वजह से ही हो रहा है। देखो, हम उस वक्त लैब में थे, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। हो सकता है कि पुलिस हमें खून के इल्जाम में पकड़ ले। पर हमने ये सब नहीं किया है। हाँ। ये जो कुछ भी हुआ है उस मम्मी और उस आत्मा की वजह से हुआ है। पर आत्माओं पे कोई विश्वास नहीं करता, पुलिस भी नहीं करती। ये राज है, इसे राज रहने दो, यही बेहतर होगा हमारे लिए। मुझे तो डर है कि कहीं जो हमारे विश्वजीत सर के साथ हुआ वो हमारे साथ भी ना। यार कब तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे हम लोग? जल्द से जल्द कुछ नहीं किया, तू आत्मा हमें मार डालेगी। जैसे विश्वजीत सर को मार दिया। मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारे साथ वाकई में ये सब हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बुरे सपने में फंसी हूँ
बस आँख खुल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा रिया, कुछ ठीक नहीं होगा। ये कोई सपना नहीं है। तुम्हें याद नहीं, उस किताब में लिखा हुआ था कि गुजरों को जगाने वाले के साथ साथ और उसके चारों बच्चों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। उसके चार बच्चे भी मारे जाएंगे और वो चार बच्चे हम हैं, हम। जितनी बुरी तरह से उस आत्मा ने हमारे सर को मारा है, सोच सोच के मेरे पैर कांप रहे हैं। पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। मुझे मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने शहर वापस चला जाऊंगा। मुझे नहीं। पागल हो गया है तू? हम आत्मा से बचकर कहीं नहीं भाग सकते यार। तो फिर क्या करें? मौत का इंतजार करें हम लोग? नहीं, हमें कोशिश करनी होगी उस आत्मा से बचने की। बस कैसे अभिमन्यु? हमें उस किताब को पढ़ना होगा। शायद उसी किताब में हमारे सारे सवालों के जवाब लिखे हैं। पर वो किताब तो म्यूजियम वाले ले गए। कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके हमें उस किताब तक पहुंचना होगा। बस यही एक रास्ता है हमारे पास। चलो म्यूजियम में फोन करके पता करते हैं कि वो मम्मी और वो किताब वहां पे पहुंचे हैं या नहीं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या ये किताब चुराना जरूरी है? और कोई चारा नहीं है हमारे पास। अगर पकड़े गए तो जेल जाएंगे, मगर किताब चोरी नहीं की ना तो जान से जाएंगे हम सब। चलो अब। हाँ चलो चलो। डरा क्यों रहे यार? अबे देख, 200 साल पुराने होने के बाद भी कितनी डरावनी लगती है मम्मी। अबे ये डरने का टाइम नहीं है, एक किताब उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हाँ, उठा उठा उठा।
किताब लेने आए हैं, किताब लेते हैं और फिर चले चलते हैं। किताब किताब ले। आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि ये सब एक 2000 साल पुरानी मम्मी कर सकती है? तो क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि पहले भी जब ये मम्मी आर्कियोलॉजी सेंटर में रखी गई थी तो वहाँ बेरहमी से डॉक्टर विश्वजीत की मौत हो गई? क्यों नहीं, इत्तेफाक तो होते रहते हैं। शायद इन दोनों चोरों के साथ कोई तीसरा चोर भी हो जो इन दोनों को मार के भाग गया। मुझे तो लगता है कि इस मम्मी ने तबाही मचाना शुरू कर दी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये मम्मी किसी आदम भेड़िया की होगी। कितनी बेरहमी से मारा उन चोरों को। नहीं अम्मी, अब तक हम ये नहीं कह सकते कि इन मौतों की जिम्मेदारी मम्मी है, कोई और नहीं। जख्मों का जिम्मेदार कोई भी हो हर्ष, तकलीफ उतनी ही होती है। लेकिन आप लोग शांत नहीं रह सकते। म्यूजियम में दो लोगों की मौत हुई है, एक किताब चोरी हुई है, आपको कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा। सर शायद मैं जानती हूँ ये किताब कहाँ हो सकती है। तुम जानती हो? सर इस हादसे के पहले डॉक्टर विश्वजीत के स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास और पूछ रहे थे मुझे इस किताब के बारे में। चुप रहो तुम, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रही हो। डॉक्टर विश्वजीत के स्टूडेंट्स, कहीं वो किताब उनके पास तो नहीं? देखिए इस मम्मी को यहाँ से बाहर निकाल के फेंक दीजिए, वरना ना जाने और कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे। मेरा दिमाग खराब है, इतनी कीमती मम्मी को उठा के सड़क पे फेंक दे। ठीक है, आप नहीं फेंकेंगे ना तो मैं ही फेंक देता हूँ। रुक जाओ रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ, हाथ नहीं लगाना उसको, रुक जाओ। सिक्योरिटी सिक्योरिटी इसका मतलब जो भी इस मम्मी को यहां से हटाने की कोशिश करेगा उसका ऐसा ही अंजाम होगा। तुम किताब क्यों नहीं खोल रहे हो? अरे किताब चोरी करना एक बात होती है, उसे पढ़ना दूसरी। मैं नहीं पढ़ूंगा किताब, याद है ना क्या हुआ था सर के साथ? लेकिन ये खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा ना, बिना किताब पढ़े हम बच भी तो नहीं सकते। तुम लोग अब भी इस किताब को पढ़ना चाहते हो? कितनी बुरी तरह से मार दिया उस खुजरों ने उन लोगों को। अरे वो लोग इसीलिए मारे गए क्योंकि वो ये किताब को चुराना चाहते थे। लेकिन हमने भी तो किताब चुराई है, पर हमें कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये किताब हमारे लिए है। इस किताब को पढ़ना हमारे भाग्य की रेखाओं में है, इसलिए कुछ भी करके ये किताब हम तक पहुंची है।
और अगर तुम लोगों को इतना ही डर लग रहा है ना तो ठीक है, मैं पढ़ूंगी इस किताब को। नहीं, शायद कोई और रास्ता नहीं है, हमें इस किताब को पढ़ना ही होगा। ये तो सिरोन लिपि है, और सुना है मरे हुए लोग इसी लिपि में लिखते हैं। नहीं, नहीं। मैं इसे पढ़ने जा रही हूँ। सुनिया, नहीं। जो बूढ़ा आदमी रखवाले खुजरो की आत्मा को जगाएगा, खुजरो उसकी जिंदगी का अंत कर देगा, और सजा चुकानी होगी उस आदमी के चार बच्चों को जो कि अपना मांस और खून देकर खुजरो को एक बार फिर से जिंदा करेंगे। लेकिन विश्वजीत सर का तो कोई परिवार ही नहीं था, और ना ही कोई बच्चे, यानी कि यानी हम सब लोगों को बलि देनी होगी उस मम्मी को जिंदा करने के लिए। नहीं, हम क्यों देंगे अपनी बलि? हाँ, हम क्यों देंगे? सोनिया, तुम आगे पढ़ो, देखो कोई रास्ता होगा हमारे बचने का। नहीं, इसमें तो सिर्फ मरने के तरीके लिखे हैं। क्या मरने के तरीके? हाँ, इसमें लिखा है कि पहली मौत सूरज उगने के समय होगी, और मरने वाला उस समय खुद को आईने में देख रहा होगा, और आसमान से हीरे बरसेंगे। बस इसमें तो इतना ही लिखा है। मतलब हम में से जिसको आसमान से हीरे की बारिश दिखेगी वो मर जाएगा। क्या बकवास है ये सब? मनु, ये बकवास नहीं है, ये जरूर सच होगा। मैं देख के आता हूँ। एक मिनट, कौन हो तुम लोग? हाँ, और यहाँ कैसे है? देखिए, हम एक्चुअली एंटिक्स पर रिसर्च करने के लिए आए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई? कुछ नहीं पता हमें, कुछ भी नहीं पता, ना मम्मी के बारे में, ना सर के बारे में, और ना ही किताब के बारे में। चलिए बाहर जाइए यहाँ से। कमाल है, इसने तो हमारी पूरी बात भी नहीं सुनी। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ, जरूर कुछ तो है जो ये जानता है, पर हमें बता नहीं रहा है। लगता है आत्मा सबसे पहले मुझे ही मारेगी। सारे शीशे तोड़ दूंगा मैं,
सारे शीशे तोड़ डालूंगा, सारे सारे शीशे तोड़ दूंगा मैं, सारे 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 शीशे तोड़ दूंगा। कौन है वहां? मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता मुझे, मुझे मुझे कोई नहीं मार सकता मुझे, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे 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 कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता मुझे। पहली मौत सूरज उगने के समय में होगी और मरने वाला उस समय खुद को आईने में देख रहा होगा और आसमान से हीरे बरसेंगे। लगता भविष्यवाणी सच हो गई, मुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। भविष्यवाणी में तो लिखा था सूरज उगने के वक्त मौत होगी, मतलब मैं बच गया, ये कब तक? नहीं रिया, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी रिया, वो मुझे मार डालेगा। सोनिया पागल हो गई है क्या? अगर घर नहीं जाएगी तो क्या रात भर यहाँ पर रहेगी? ये आत्मा ना सोनिया कहीं पर भी आ सकती है, कहीं पे भी। रिया कल रात को उसको मैंने अपने घर में देखा था, खुजरों को, वो मुझे मार डालेगा, मैं नहीं चाहूंगी। पर सोनिया आसमान से हीरो की बारिश होगी, पर कैसे ऐसा हो सकता है? क्या क्या हुआ रिया, क्या हुआ? सुनिया रिया भागो, रिया भागो। कांच के टुकड़े नहीं, 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 नहीं।
ये क्या है? भेड़िया? शायद इसमें इस इंसानी भेड़िए के बारे में लिखा होगा। जो बूढ़ा आदमी इस किताब को पढ़ के खुजरों की आत्मा को जगाएगा, खुजरों उसे खत्म कर देगा और उसके चारों बच्चों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। खुजरों को जगाने वाले के साथ साथ उसके चार बच्चे भी मारे जाएंगे और वो चार बच्चे हमें हम। डॉक्टर बिस्वजीत के स्टूडेंट्स, कहीं वो किताब उनके पास तो नहीं? इसमें लिखा है कि पहली मौत सूरज उगने के समय होगी और मरने वाला उस समय खुद को आईने में देख रहा होगा और आसमान से हीरे बरसेंगे, आसमान से हीरों की बारिश, कांच के टुकड़े। ध्यान से, कहीं वो चौकीदार ना जाग जाए। उस चौकीदार के जगने से ज्यादा डर मुझे इस भेड़िए के जागने का है। बिस्वजीत की स्टूडेंट सोनिया की लाश है। ये तो इस भेड़िया को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है, सोनिया का खून और मांस देखकर। पहले ही कहा था मत खोलो किताब, मत खोलो किताब। सोनिया का इस तरह मरना, खुजरों का मयंक के घर आना, इस किताब की भविष्यवाणी तो सही हो रही है। अब इस किताब को खोल के पढ़ना होगा, शायद इसमें अगली मौत की भविष्यवाणी भी आ गई हो। नहीं नहीं अभिमन्यु, मत मत खोलो, वरना वरना हम भी हमें इसे खोलना पड़ेगा। अभी अभिमन्यु नहीं। आगे के पन्ने तो अभी तक खाली है। ये क्या हो रहा है? पन्ने खुद ब खुद भर रहे हैं। पहले ही कहा था मत खोलो किताब। मैंने पहले ही कहा था। एक मिनट। बचे हुए तीन बच्चों में से
दो की मौत का कारण एक जवान लड़की बनेगी जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे और दो की मौत साथ में होगी। फूलों की वादियों में दिखेगी। बस करो, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये जो कुछ भी हो रहा है इस किताब की वजह से हो रहा है। मैं इस किताब को ही खत्म कर दूंगी। प्रिया, क्या हुआ? प्रिया संभालो। या मैं क्या हुआ? कौन है वहाँ? किसे दिख रही हो तुम? अभी मेरे वहाँ खुजरों की आत्मा देखी। खुजरों? अभी मैं मरना नहीं चाहती। बस अब एक काम हो सकता है। क्या? किताब में लिखा था कि बच्चे तीन लोगों में से दो की मौत साथ में होगी। तो आज के बाद हम तीनों कभी नहीं मिलेंगे। नहीं तो हम तीनों मिलेंगे और ना दो की मौत साथ में होगी। शायद हम इस तरह बच जाएं। और जो बूढ़ा आदमी इस किताब को पढ़ के खुजरों की आत्मा को जगाएगा, खुजरों उसे खत्म कर देगा और उसके चारों बच्चों को भी इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बचे हुए तीन बच्चों में से दो की मौत का कारण जवान लड़की बनेगी जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे। नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, कुछ नहीं होगा। मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी तो फूल कहां से देखूंगी। अभी ये सब क्या है? हाँ, क्या हुआ तुझे? तू बुरा सपना देखा तूने? हाँ, क्या हुआ? नहीं माँ, सब ठीक है। क्या बात है? अभी कुछ दिनों से देख रही हूँ तू बहुत घबराया हुआ सा है। बताना क्या बात है? हाँ माँ, कहा ना, कुछ भी नहीं है। देख अभी, मुझसे कुछ भी मत छुपा। बताना क्या हुआ, बताना। कुछ नहीं हुआ। अभी ठीक है, कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। अभी मेरे प्ले की ना रिहर्सल है कल, तू चलेगा मेरे साथ? हाँ, तेरा मन बहल जाएगा, चलेगा? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब क्या हो रहा है। एक 2000 साल पुरानी मम्मी में
दिन ब दिन जान कैसे आती जा रही है। किसी मम्मी पर इस तरह से धीरे धीरे मस चढ़ना, ये तो नामुमकिन है, एकदम नामुमकिन है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद इस मम्मी पर मांस ना आ जाए और वो जिंदा ना हो जाए। मयंक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं रिसर्च विंग में जा रहा था, प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए कुछ किताबें चाहिए। परमिशन है तुम्हारे पास? सर परमिशन तो नहीं है। जाओ जाकर परमिशन लेकर आओ। पर सर, आई सेड गो। अब सर एक बात पूछूं? अब क्या है? आप मम्मी को कुछ हुआ है क्या? तुम वहां खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे थे? गेट आउट। आई सेड गेट आउट। आउट। सॉरी सर। अभिमन्यु, हाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है यार। हाँ ये किस मुसीबत के बारे में बात कर रहा था? कहाँ हो आप? यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है माँ को हॉस्पिटल लेकर गए होंगे। हाँ लगता है नाटक का रिहर्सल चल रहा है, शायद इसे कुछ पता हो। सुनिए, क्या आप जानती हैं मेरी माँ कहाँ पर है? मुझे यहाँ से किसी का फोन आया था कि वो बेहोश हो गई है। अभिमन्यु, उसके पास मत जाना, उसके पास मत जाना अभिमन्यु। चल यहाँ से। अरे मैं पता नहीं माँ कहाँ गई है, पूछने आया हूँ कि माँ कहाँ पर है। तुम अपनी माँ से कभी नहीं मिल पाओगे। बचे हुए तीन बच्चों में से दो की मौत का कारण एक जवान लड़की बनेगी जिसे वो फूलों की वादियों में देखेंगे। दो की मौत साथ में होगी। हमने आने में बहुत देर कर दी, वो आत्माएं दोनों को भी ले गई मौत की दुनिया में। कहीं इसका अगला शिकार रिया तो नहीं? म्यूजियम की लाइट तो ऑन है, कौन हो सकता है अंदर?
मम्मी, मम्मी तो यहां से गायब है। तुम लोग यहां पे क्या कर रहे हो? यही सवाल हम तुमसे पूछना चाहते हैं कि तुम इस वक्त म्यूजियम में क्या कर रही? मम्मी और ताबूत दोनों गायब है और पता नहीं कौन उन्हें ले गया। मुझे तो लगता है कि जरूर खुजरों का काम है, क्योंकि एक आम इंसान तो इसे चुराने की कोशिश भी नहीं कर सकता। पर ये सब हुआ कब? तकरीबन 1 बजे मुझे एक बूढ़े आदमी का फोन आया। वो कहने लगा कि वो मुझे कुछ देना चाहता था म्यूजियम में रखने के लिए। मैं आई और उसने मुझे ये फिल्म का एंथम थमा दिया। उसी बीच वॉचमैन आया और कहने लगा कि मम्मी गायब है। मैंने तो किसी को भी अंदर आते नहीं देखा साहब, न जाने कैसे चोरी हो गई है मम्मी। अगर ये मम्मी यहाँ से गायब है तो कहीं रिया की जान को खतरा तो नहीं? चलो। सब चले गए। अब सिर्फ मैं ही बाकी हूँ। मुझे भी मरना पड़ेगा। इससे पहले वो आत्मा मुझे मार डाले, मैं खुद अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगी। मुश्किलें हल होने लगती तो आज दुनिया में कोई भी इंसान जिंदा नहीं होता। कहना बहुत आसान होता है, उस किताब को पढ़ो। कोई हल है तुम्हारे पास उस मुश्किल का जिसमें मैं फंस गई हूँ? हर मुश्किल का हल हमारे आसपास ही होता है बेटा, लेकिन कई बार हमारी आंखें उसे ढूंढ नहीं पाती। बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें सचेत करने की, लेकिन तुमने मुझे हमेशा नजरअंदाज किया। उस दिन वहां म्यूजियम के बाहर भी बताने की कोशिश की, मत चुराओ ये किताब। पर तुम हो कौन? मैं एक आत्मा हूं। आत्मा? हाँ, बरसों से मैं उस भेड़िए की मम्मी की रक्षा कर रही हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी शख्स आकर उसको दोबारा जिंदा कर दे। और फिर एक दिन क्या हुआ था? किसी ने वो मम्मी चुरा ली। और चुरा कर उसे जेल में छुपा दी। वो चोर तो मर गए, बाकी लोग भी मारे जाएंगे। खुजरों ने वो मम्मी इसलिए बनाई थी क्योंकि वो जानता था उसे कभी भी जिंदा कर सकते हैं। और मेरी मौत के साथ ही वो भेड़िया जिंदा हो जाएगा ना? क्या आप मुझे बचा सकती हैं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें सचेत कर सकती हूँ। तो फिर क्या तरीका है रिया को बचाने का? उसे ढूंढो। उसे? उसे किसे? उस पांचवें इंसान को। पांचवा इंसान? हाँ, वो सिर्फ पांचवा इंसान ही है इस खूनी भेड़िए को मौत की नींद सुला सकता है। Yeah.
पांचवा इंसान? ये पांचवा इंसान कौन हो सकता है? जो भी है बॉस, अगर हमने उसे जल्दी नहीं ढूंढा ना तो रिया, जरूर वो पांचवा इंसान वही स्टूडेंट होगा जो बिस्वजीत सर से पढ़ना चाहता था लेकिन कभी पढ़ने आया ही नहीं। शायद इन फाइल्स में उस स्टूडेंट का नाम और पता मिल जाए। यार मुझे ना तो ये अंधेरे में तीर चलाने जैसा लग रहा है। पता नहीं वो पांचवा स्टूडेंट था कौन और इस भेड़िए के साथ उसका कोई संबंध था भी या नहीं। देखो उस किताब में चार बच्चों के बारे में लिखा गया है। अगर वो चार बच्चे मैं और मेरे दोस्त थे तो हो सकता है ये पांचवा इंसान वही स्टूडेंट हो जो कभी पढ़ने आया ही नहीं। शायद तुम ठीक कह रही हो पर उस पांचवें स्टूडेंट के बारे में हमें पता कहां से चलेगा? अरे हाँ, बिस्वजीत सर ने हमें रिसर्च प्रोजेक्ट्स दिए थे। हो सकता है वो पांचवें स्टूडेंट ने भी वो प्रोजेक्ट फाइल सबमिट की हो। प्रोजेक्ट फाइल्स? ये प्रोजेक्ट फाइल्स रखी कहां जाती है? म्यूजियम के रिसर्च विंग पे, वहीं पर। सुनो, तुम जानते हो ये रील कहां पहुंचानी है? जी हाँ, मैं जानता हूँ। ध्यान से करना, मुझे इस मामले में कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तुम लोग दोबारा यहाँ आ गए? देखो भूमिका, हमें म्यूजियम के रिसर्च विंग में जाना है अभी इसी वक्त। भूमिका, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं कि इस किताब में क्या है। नहीं, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि इस किताब की सही जगह म्यूजियम में है। मैं जानती हूँ भूमिका कि तुम्हारे लिए ये सब मानना आसान नहीं है पर मेरी बात का यकीन करो, जरूर तुम्हारे पिछले जन्म का कोई ना कोई संबंध है उस भेड़िए के साथ। हाँ भूमिका, तुम ही सोचो इस किताब को हाथ लगाने के बाद तुम्हारा हाथ क्यों जल गया? मैं ये नहीं जानती कि मेरा हाथ क्यों जला, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ जो इन सब बकवास बातों में विश्वास नहीं रखती। विश्वास तो हम भी नहीं करते थे भूमिका, पर ये सच है, एक कड़वा सच जिसने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। तुम ही वो पांचवी स्टूडेंट हो ना जो बिस्वजीत सर के पास पढ़ने आने वाली थी? हाँ, पर किसी वजह से वो हो नहीं पाया। भूमिका एक काम करो, इस किताब पर फिर से हाथ रखो। डरो मत भूमिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भेड़िए को, उसने मुझे अपना गुलाम बना के रखा था पिछले जन्म में। मतलब अगर तुमने उसे पिछले जन्म में मारा था तो फिर से तुम इस जन्म में उसे मार सकती हो? पर कैसे? अब मुझे कोई नहीं बचा सकता।
कोई नहीं बचा सकता मुझे। खुजरा आएगा और मुझे ले जाएगा। नहीं रिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इससे पहले कि वो तुम्हें कुछ करे, हम उस भेड़े की मम्मी को ढूंढ निकालेंगे और भूमिका उसे खत्म कर देगी। पर कैसे? उस भेड़िए को सिर्फ एक ही जगह पे जिंदा किया जा सकता है। किस जगह पर? किस जगह पर बोलो भूमिका, किस जगह पर? हाँ, उस जगह पर, उस जगह पर उसे जिंदा किया जा सकता है जहां उसकी मौत हुई थी। कहां है वो जगह भूमिका? भूमिका, क्या तुम्हें वाकई सब कुछ याद है? हाँ हर्ष, ये वही जगह है जहां पे मैंने उस भेड़िए को मारा था। थैंक यू भूमिका, अगर तुम नहीं होती तो मैं अब तक जिंदा नहीं बचती। खतरा अभी तक टला नहीं है और मैं जानती भी नहीं कि इस बार मैं उसे मार पाऊंगी या नहीं। भूमिका, तुम उसे जरूर मारोगी, पर वो भेड़िया आखिर है कहां? जमीन के कुछ फीट नीचे उसे एक खास जगह में छुपाया गया है सूरज की रोशनी से बचाने के लिए। चौथा बच्चा भेड़े के पैर पे गिरा होगा, धूल भरे आकाश के नीचे। जमीन के नीचे? मतलब धूल भरा आकाश? इस किताब में यही जगह तो लिखी है मेरे मरने की। इसका मतलब तुम सब मुझे मेरे मौत के करीब ले जा रहे हो। ओह, ये तुम क्या कह रही हो रिया, हम तो तुम्हें बचाना चाहते हैं। नहीं, तुम सब मिले हो, तुम सब उस आत्मा से मिले हो। रिया, रिया रुक जाओ। रिया, मेरे पास मत आना। रिया, पास मत आना, मेरे सबके सब मिले हुए हो, तुम सब मुझे मारना चाहते हो। जल्दी करो, अगर खुजरों ने रिया का खून उस भेड़िए को दे दिया तो बहुत देर हो जाएगी। इस तरफ। यही वो जगह है जहां पे मैंने उस दरिंदे भेड़िए का अंत किया था। आज 2000 साल बाद एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा। ये तो रिया का सर है। उसने रिया को मार दिया। हम रिया को नहीं बचा सके। Thank you.
राघव यामिनी पीछे हटो, पीछे हटो। भूमिका पीछे हटो, भूमिका पीछे हटो। ये तुम क्या कर रही हो भूमिका? भूमिका शायद ये दोबारा गुलाम बन गई इस भेड़िया की। मुझे लगता है हमें इसे जगाना चाहिए। भूमिका, भूमिका ये तुम क्या कर रही हो? भूमिका होश में आओ, भूमिका नजदीक बढ़ रहा है। भूमिका हजार साल पहले यही हुआ था। मैंने भेड़िये को मारा था और उसने मुझे, लेकिन अब 2000 सालों के लिए ये कभी जिंदा नहीं हो सकता। भूमिका ये भेड़िया मर गया पर साथ साथ भूमिका और रिया को भी ले गया। शायद ये लोग किस्मत के भंवर में फंसे हुए थे, एक ऐसे किस्मत का भंवर जो 2000 साल बाद भी इन्हें मजबूर करता है इतिहास दोहराने के लिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.